मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। सेंट जेवियर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो। बच्चों आज कक्षा 11 के बच्चे गलता लोहा पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। लेखक का परिचय इस प्रकार है। देखिए उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही बताई हैं। इस पाठ में अंतर्वेदना है वो उभर कर सामने आई है। और अंतर्वेदना यानी जो अंतर्वेदना होती है वो आँखों के राह से बाहर निकलती है, हैं उन भावुक क्षणों में मनुष्य जो है अपने विवेकपूर्ण से कार्य करता है। तो लेखक का परिचय इस प्रकार है। शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरीके की कहानियाँ लिखनी शुरू की। ठीक है बच्चों, फिर इस तरह कहानी विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन नाम दिया। इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान अनन्यतम है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहल सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा है घोटी का कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजीव, हलबाहा, नौरंगी बीमार है। ठीक है, शब्द चित्र संग्रह किया एक पेड़ की याद। इनकी कहानियां कई भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुवादित हो चुकी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजीव पर चिल्डर्स फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। ठीक है बच्चों, अब साहित्यिक विशेषताएं। शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में भी सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। इनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। अब पाठ का सारांश। पाठ का सारांश इस प्रकार है। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। ये कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है, हैं? सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कसों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि देखिए आजकल जो जातिगत भाईचारा है तो उसमें एकता नहीं है, बल्कि उसने मेहनत करके किस कोई काम किसी जाति में बटा नहीं है। हर जाति के व्यक्ति हर काम कर सकते हैं। तो उसी को इसमें बताया है कि जो भाईचारे को प्रस्तावित करता है, क्या जो मेहनत है तो वो सभी जाति के लोग कर सकते हैं, वो इसमें बताया गया है। मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की, पुरोहिती मतलब पंडिताई की। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए
वह खेती की ओर चला। लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर तिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि पिछले साल ही गुजरे थे। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उनके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्ध होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग तो में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले में 5-6 दरातियों को निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर तिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव करते समय बेंच गंगाराम चुनाव करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई, इससे उनके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मादा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में बाढ़ आ गई। किसी तरह वे घर पहुँचे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल न भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया था, जो उनके ही परिवार का था। हैं उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहाँ की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ उसने गली की भी सभी औरतों के काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं समझ देता था, क्योंकि वह समझता था ये हमारा नौकर है। समझ गए आप? तो फिर क्या हुआ? मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया। कार्यों के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान न बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उन्हें गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उसे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम के जीवन में कई प्रसंगों की बात करते रहे। धनराम ने हंसुए की फाल को बेंच से निकाल कर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में
वे खड़े खड़े बातचीत निपटा लेते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता। मोहन धर्राम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धर्राम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के इस काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने वह आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सजग की चमक थी। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे है शब्द संपदा। शब्द संपदा में आप देखिए, अनायास बिना प्रयास के, शिल्पकार कारीगर, अनगूंज प्रतिध्वनि, निहाई लोहे का ठोस टुकड़ा, ठनकता कसा हुआ तेवर, कनक आवाज, पुरोहिताही पंडित का काम करना, यजमान पूजा पाठ करने वाला, जर्जर टूटा फूटा जो कमजोर हो, उपवास भूखे व्रत रहना, निश्वास गहरी सांस, रुद्री पाठ भगवान शंकर के पूजा के लिए मंत्र पढ़ना। ठीक, आशय मतलब अनुष्ठान धार्मिक कार्य, कुंद धारहीन। ठीक है बच्चों, अब क्या है इस पाठ के जो प्रश्न हैं उनको आप लोग लिख लीजिए, जो आपको गूगल क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहानी का के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों को विद्या और धन के चलते विद्या का जिक्र आया है। हैं, दूसरा प्रश्न आप नोट करें इसके आगे। दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं समझता था। तीसरा प्रश्न नोट करिए, धनराम को मोहन के किस काम पर आश्चर्य होता है और क्यों। चौथा है, मोहन के लखनऊ आने के बाद समय को लेखक के उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। पांचवा प्रश्न है, मास्टर तिलोक सिंह के किस कथन को लेखक के जवान के चाबुक कह रहा है और क्यों। ठीक है, छठा प्रश्न है, बिरादरी का यही सहारा होता है का किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा और क्या कहानी में आशय स्पष्ट हुआ। दूसरा है, उनकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, कहानी का कथन है किसके लिए कहा गया, किस प्रसंग में कहा और यह पात्र विशेष किस चारित्रिक घटनाओं को उजागर करता है। धन्यवाद।